कुछ लोग तो अपने सास की सेवा नहीं कर पाती, ससुर की सेवा, एक पति मैनेज नहीं होता। कुछ महिलाएं, पति जरा दो दो बातें कह दे गुस्सा, इतना आदमी खोखला हो गया है ना, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है। आजकल लोग रिश्तों को लेकर चलना ही नहीं चाहते, एटीट्यूड रखा है हर जगह, मुझे ऐसा कह दिया, मैं कुछ कम हूं क्या, मैं ये हूं। दो कौड़ी की सोच है तुम्हारी, सबसे घटिया। समाज को लेकर चलना पड़ता है। गंभीरता हो तो सब होगा, सहनशीलता हो तो सब होगा। सेवा का भाव ही नहीं है लोगों के पास। लोग अपने ऊपर लाखों खर्च कर लेंगे, डॉक्टर को लाखों दे देंगे, पर क्या मजाल के किसी भूखे के लिए कुछ निकल आवे। कुत्ते के लिए भले बिस्किट महंगे महंगे खिलाएंगे, पर क्या मजाल के कोई भूखा चार रोटी मांग ले तो दे दें, ताने मारेंगे, कमा के खा नहीं सकते। परोपकार करना जब से तुमने छोड़ा है तब से तुम्हारी दुर्गति हुई है, परोपकार करना शुरू कर दो, समाज के काम आओ। राम जी वनवास किसके लिए गए? अपने लिए, समाज के लिए। कि राम जी वनवास जाएंगे तो राम जी आदर्श स्थापित कर पाएंगे कि राम ने माँ बाप की आज्ञा मानी, इसके बाद से लाखों बेटे अपने माँ बाप की आज्ञा मानेंगे। यदि राम नहीं मानते तो कौन मानता? राम को अपने लिए वनवास थोड़ी जाना था, समाज को मैसेज देना था। भरत कोई अपने लिए थोड़ी सिंहासन को छोड़े, समाज को मैसेज देना था कि यदि भरत जी अयोध्या का राजा बन जाते तो समाज कहती, वाह ऐसा भाई है कि अपने बड़े भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति हड़प लिया और राजा बन गया। समाज को गलत मैसेज मिल जाता, इसलिए भरत जी ने समाज को, हर भाइयों को, समाज के हर भाई को मैसेज दिया कि दोस्तों, अपने भाई को वनवास भेजकर, भाई की संपत्ति हड़प कर कभी ना रखना, भाई के लिए त्याग करना, क्योंकि ना भाई, आप ना बड़ा भाई रहेगा ना छोटा भाई रहेगा, रहेगा कोई नहीं, ये माटी सबको निगल जाएगी, ये समय सबको निगल जाएगा, रहेगा तो तुम्हारे द्वारा किया गया आदर्श समाज में स्थापित रहेगा कि तुमने भला किया या बुरा किया। ना हम रहेंगे, ना आप रहोगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा समाज में अच्छाई और बुराई सदा रहेगी।